दोस्तों, ये डिवाइस बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को आसानी से चेक करता है और उनका नाम और इनकी वैल्यू बहुत आसान तरीके से बता देता है। इसको LCR मीटर या मल्टीफंक्शन टेस्टर के नाम से जाना जाता है। वैसे ये काम मल्टीमीटर की तरह ही करता है, लेकिन मल्टीमीटर की तरह खराब कंपोनेंट्स को यहाँ पर ये नहीं बता पाता है। हाँ, लेकिन जो सही कंपोनेंट्स होते हैं उनकी रीडिंग और उनके बारे में ये डिटेल से बता देता है। इस डिवाइस से हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक चुटकी में टेस्ट कर सकते हैं। ये वैसे बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा डिवाइस है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन आज एक और चीज़ मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ ये IR के बारे में। उससे पहले कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर टेस्ट करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देख कर आप यहाँ पर सीख सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम इस रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं किस वैल्यू का है, अगर आपको यहाँ पर इसके कोड मालूम नहीं है तो किसी भी यहाँ पर देखिए, बहुत सारे यहाँ पर आपको स्लॉट मिल जाते हैं, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2, है ना। तो यहाँ पर किसी भी डिफरेंट स्लॉट में आपको इसमें डालना है 1 2 या 1 3 या 2 3 या 2 1, इस तरीके से किसी में भी डाल दीजिए। सेम स्लॉट नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम नंबर का नहीं होना चाहिए। इस तरीके से लॉक कर दीजिए, यहाँ पर बटन प्रेस कीजिएगा। ये हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर चेक करी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी, 465.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और लिखा भी यहाँ पर रजिस्टर करके, ठीक है। तो ये देखिए, और 1 और 2 स्लॉट में हमने डाला था, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अब ये कंपोनेंट हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो चलिए हम इसको, वैसे मुझे पता है, जिनको पता नहीं, जो बिगनर्स होते हैं उनको अगर जानकारी नहीं हो तो डाल के इसको इस तरीके से प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर साफ लिखा हुआ आ रहा है NEMOS, यानी कि N चैनल का ये MOSFET है। और इसमें जो फर्स्ट लेग हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर की पिन पे डाली है वो हमारी गेट की है, दूसरे में जो ये पिन हमारी इसमें घुसी हुई है वो हमारी ड्रेन की है, और थर्ड की हमारी ये सोर्स की है, GDS यहाँ पर लिखा हुआ है, गेट ड्रेन सोर्स। तो फर्स्ट लेग हमारी गेट की, दूसरी हमारी ड्रेन की, तीसरी हमारी सोर्स की, क्योंकि आप लिखा भी है, देखिए 1 2 3 में हमारी इस तरीके से डली हुई है। अगर आप यहाँ पर 2 3 1 में डाल देते हो तो 2 3 1 में डाल के इसको रीड करते हो तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ आएगा, 2 में हमारी गेट है, 3 में हमारी ड्रेन है, 1 में हमारी सोर्स है। तो 2 नंबर में देखिए यहाँ पर ये गेट की पहली पिन ही बताएगा, तो ये MOSFET है, इसने बता दिया है। वैसे हम तीसरे कंपोनेंट को चेक करते हैं डिफरेंट इसमें डाल के, इसको हम प्रेस करते हैं तो इस तरीके से बताता है BJT PNP ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन PNP ट्रांजिस्टर है। थर्ड नंबर की इसकी बेस की है, सेकेंड नंबर की इसकी कलेक्टर की है, फर्स्ट नंबर की इसकी अमीटर की, यानी कि जो थर्ड नंबर में हमारी इसमें डली हुई है वो हमारी बेस की पिन है, और बाकी इसकी HFE वैल्यू और बाकी डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। तो है ना बड़ा उपयोगी ये टेस्टर, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मेरा आज इसमें जो है IR डिकोडर के बारे में बताना था। अब हम लगे हाथ कैपेसिटर को भी चेक करते हैं, तो देखिए कैपेसिटर यहाँ पर किस वैल्यू का है, कितने वोल्ट का है यहाँ पर लिखा हुआ है, हालांकि वोल्ट लिखा हुआ नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ये कितने माइक्रोफेरेट का है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, 11.56 ये माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर है, 2 और 3 में इसमें डला हुआ है। वैसे एक डायोड है, इसको भी हम इसमें इजीली चेक कर सकते हैं, बता देगा ये डायोड को कैथोड एनोड कौन सा है, यहाँ पर इजीली बता देता है। फर्स्ट नंबर हमारा ये हमारी ये देखिए ये कैथोड डली हुई है, थर्ड नंबर में एनोड डली हुई है कुछ इस पोजिशन में, तो ये डायोड है यहाँ पर दिखा दिया है। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स को चेक करता है, हाँ साथ में कॉइल को भी चेक करेगा और बेसिक कंपोनेंट्स को चेक करेगा, साथ में जेनर डायोड का ये वोल्ट भी बता देता है, कितने वोल्ट की जेनर है ये इजीली बता देता है, यहाँ पर जेनर डायोड के कैथोड लिखा हुआ है। अब ये तो थी एक बेसिक जानकारी, अभी IR को कैसे डिकोड करता है। जैसे आपको पता है किसी भी रिमोट को हम TV के आगे लगाते हैं तो रिमोट ईजिली TV को पूरा हैंडल कर लेता है, यानी कि रिमोट TV को कंट्रोल कर लेता है या सेटअप बॉक्स जो भी है उसको कंट्रोल कर लेता है। आखिर रिमोट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डाटा तो होगा जिसकी वजह से पूरा TV कंट्रोल हो रहा है या सेटअप बॉक्स कंट्रोल हो रहा है। तो इसके अंदर जो IR किरण होती है उसमें से जो भी कोडिंग यहाँ से निकलती है उसको डिकोड करता है ये टेस्टर। तो किस तरीके से डिकोड करता है, यहाँ पर देखिए IR लिखा भी है, तो इसको स्टार्ट दबाना है और रिमोट को इस तरीके से किसी भी बटन को प्रेस कीजिए जिसको आप डिकोड करना चाहते हो। देखिए इसका डाटा कोड देखिए, यूज़र कोड देखिए। अब हम इसको इस तरीके से दूसरे वाले बटन को, तो किसी भी बटन को प्रेस कर तो यूजर कोड डाटा कोड यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिए तो इस तरीके से इसको बिल्कुल आमने सामने रखना पड़ता है और इस तरीके से हर बटन का डेटा कोड यूजर कोड यहाँ पर इसमें लिख के आ जाएगा। देखिए सब चेंज होते जा रहा है, देखो जिस बटन को हम प्रेस कर रहे हैं उस हिसाब से चेंज होते जाएगा। तो वैसे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का ज़्यादा आप में से कई लोगों को नॉलेज नहीं होगा,
तो ये जो जिनको कोडिंग डिकोडिंग आती है वो इस डाटा कोड को या यूजर कोड को डिकोड करके इजीली रिमोट को बना भी सकते हैं, यानी कि रिमोट को एक नया नाम, क्योंकि ये सारा खेल तो भैया उन्हीं का है जो आर्डिनो वगैरह का काम करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का जिनका ज़्यादा काम है। बस एक बेसिक जानकारी देनी थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस तरीके से IR जो हमारे किसी भी रिमोट, ये तो एग्जाम्पल के लिए इस रिमोट को लिया है, आप किसी भी रिमोट का हो का डाटा कोड यूजर कोड अगर आपको जानकारी है उससे आप इसे रीड कर सकते हैं इस मल्टीफंक्शन टेस्टर से। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और हाँ इस बारे में कुछ आप डिटेल से जानना चाहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखना चाहते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा वीडियो चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ यहाँ पर जो है अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, वैसे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको परचेज करने के लिए। और हाँ अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो ही आप इसको परचेज करें। तो चलिए भाई आप यहाँ पर इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।